रुद्रपुर के केच्चा हाईवे स्थित एक वेयरहाउस की गोदाम में आग लग गई, जिसमें करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान है। आग इतनी विकराल थी कि दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे गोदाम मालिक को भारी नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार डिग्री कॉलेज रामपुर रोड निवासी इकबाल सिंह आनंद का केच्चा हाईवे स्थित ELP एरो फ्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म है। वेयरहाउस में रबर इंसुलेशन माल का स्टॉक किया था। बताया कि रोज की तरह गुरुवार की शाम को गोदाम के एचआर हेड VP सिंह सहित कर्मचारी काम खत्म कर निकले थे कि शुक्रवार की 2:30 बजे गोदाम के सिक्योरिटी गार्ड ने सूचना दी कि गोदाम से आग की लपटें उठ रही हैं। वहीं CFO ईशान कटारिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया अग्निकांड शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ होगा, लेकिन फिर भी आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग लगने से 50 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है, वास्तविक क्षति का आकलन किया जाएगा। इसमें सुबह तकरीबन 3:15 बजे के आसपास MDT सेट के माध्यम से हमारे पास सूचना आई कि किच्छा रोड पे एक गोडाउन है ALP करके, जिसमें फायर हुई थी। जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई, वैसे तुरंत हमने रुद्रपुर फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां निकाल दी। उसके साथ साथ हमने अपनी किच्छा यूनिट से एक गाड़ी बुलाई, पंतनगर फायर स्टेशन से एक गाड़ी बुलाई और एक हमने गदरपुर से बुलाई थी। गाड़ी जब वहाँ पर पहुँची तो हमारे जवानों ने देखा कि वो एक गोडाउन है जिसमें इंसुलेशन शीट थी, तो उसमें फायर हुई थी। आग के कारण किस कारण से आग लगी हो वो तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे कि किस वजह से लगी है। तो हमारी 5 गाड़ियां तो हमारी स्टेट फायर सर्विस की थी और 1 गाड़ी हमने सुबह महिंद्रा से भी बुलवाई थी। लगभग नुकसान जैसा हम साइट पर रहने के दौरान हमें जो महसूस हुआ तो 50 लाख के ऊपर का ही होगा। बाकी जब वो डॉक्यूमेंट देंगे, अपनी सारी डिटेल्स कंपनी हमें बताएगी, तब हम एग्जैक्ट आपको बता पाएंगे कि कितने का नुकसान है। दरअसल गोदाम में धत की आग से करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान है। आग इतनी विकराल थी कि दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे गोदाम मालिक को भारी नुकसान हो गया। पंजाब केसरी TV के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।